मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली में आयोजित निंदा गौरा महोत्सव में प्रतिभाग करने पहुंचे। यहां उन्होंने गौचर में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए। आपको बता दें, इस दौरान नंदा गौरा महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं जब पहली बार चमोली आया था तब से अब तक यहां बहुत परिवर्तन आ चुका है। जैसे यहां पर फूलों की घाटी है, वैसे ही यहां के लोगों का प्रेम है। लोगों के इसी प्रेम की वजह से 57 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं आज यहाँ पूरी हो गई है एवं 300 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड का तेजी से विकास किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं, वह कुटीर उद्योगों के माध्यम से कार्य कर रही हैं। और अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, जनपद चमोली के प्रभारी, उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता, ऐसे अनेकों विभागों का लगातार उनको गति देने का काम करने वाले और इस जनपद को भी लगातार आगे बढ़ाने का काम करने वाले इस जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने बहुत संक्षिप्त में गागर में सागर भरने का काम किया, आदरणीय अनिल नौटियाल जी और उनके साथ ही इस क्षेत्र के साथ साथ थराली क्षेत्र को भी लगातार जो विकास के कामों को आगे बढ़ाते हैं, लगातार हम सब के पास पहुंचते हैं। थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपाल राम कंटा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई रमेश मैकुली जी, उपाध्यक्ष जिलागम प्रबंधन, उत्तराखंड सरकार में दायित्व जिनके पास है आदरणीय रमेश गढ़िया जी, ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग चंद्रेश्वरी नेगी जी, श्रीमती मुन्नी देवी शाह जी, हिमानी वैष्णव जी, दोनों महामंत्रीगण एवं मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने वहां जिले में यहाँ संयोजन किया है, श्री हिमांशु खुराना जी, हमारे एसपी रेखा यादव जी और आयुक्त एवं सचिव श्री विनय शंकर पांडे जी, सीटीओ साहब,